हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाहुल अपनी दोस्त रिंकी के साथ बस में सफर तय करती हुई देहरादून से दिल्ली आ रही थी। रिंकी खिड़की वाली सीट पर बैठी थी कि तभी पाहुल से कहती है, पाहुल मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, ये सफर ना मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी उल्टी हो जाएगी। ओए नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करियो, रुक जा, बस को कहीं रुकने दे, कुछ लेकर देती हूँ मैं तुझे, तब तक तू खुद को संभाल ले, कोई रायता मत फैला दियो। पाहुल के कहने पर रिंकी जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है, तभी उनकी बस रुकती है और पाहुल जल्दी से बस से नीचे उतरकर पास की छोटी सी चाय की टपरी पर जाती है, जहां उसे बिस्किट और नमकीन के अलावा कुछ नहीं दिखता और वो अपना सर खुजाने लगती है। तभी टपरी पर बैठी आंटी कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे आंटी मेरी दोस्त से बस का सफर तय नहीं होता है, मैंने उसे खिड़की के पास भी बिठाया है पर फिर भी उसका मन खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है उसे ऐसा क्या लेकर दूं कि उसका मन मचलाना बंद हो जाए। अरे बेटा इतनी सी बात, ये लो हाजमोला, इसे अपनी दोस्त को दे देना, ये बहुत कमाल की चीज है, पेट दर्द, जी मचलना, उल्टी आना, हर किसी चीज में मददगार साबित होता है ये। सच में आंटी जी? अच्छा कितने की है? अरे बेटा बस 1 रुपए की है, सस्ता सौदा है। क्या बात है, कमाल की चीज, वो भी इतने कम दाम में, ठीक है आंटी जी 10 रुपए की दे दो। पाहुल के कहने पर टपरी वाली आंटी उसे 10 रुपए के हाजमोले के पैकेट देती है, जिसके बाद वो वापस से बस में जाती है और फटाफट से रिंकी को हाजमोला खाने को देती है। और हाजमोला को खाते ही रिंकी कहती है, अरे वाह पाहुल, क्या कमाल की गोली खिलाई है तूने मुझे, सच में मेरा उल्टी करने वाला मन भी ठीक हो गया, साथ ही मेरा मूड भी मस्त हो गया। चल बढ़िया है, ला जरा मैं भी तो खा कर देखूं। अरे वाह ये तो बड़ी मस्त है, सच में मजेदार है, चल अब बाकी का सफर मस्त बीत जाएगा, मैंने काफी सारे पैकेट लिए हैं, इंजॉय करते जाएंगे। ऐसे ही बातें करते हुए और हाजमोला खाते हुए दोनों सहेलियां अपना दिल्ली तक का सफर तय करती है और दिल्ली आने के बाद अपने अपने घर चली जाती है। वक्त गुजरता है, ऐसे ही एक दिन पाहुल अपना हैंड बैग क्लीन कर रही थी, तभी उसे बैग में रखा हाजमोला का पैकेट मिलता है और उसे देखकर वो कहती है, अरे मेरी हाजमोला, इसे तो मैं भूल ही गई थी, आने के बाद काम में इतना बिजी हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा कि बैग में हाजमोला भी रखी हुई है मैंने, चलो अब मिल गई है तो बाहर ही रख लेती हूँ, आराम से खा लूंगी। पाहुल इतना बोल ही रही थी कि तभी पेट पर हाथ रखे हुए पाहुल की माँ सीमा उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे बेटा पाहुल मेरा एक काम कर दे बेटा। हाय हाय दर्द। क्या हुआ, आपके पेट में दर्द है क्या? अरे बेटा होना क्या है, रात के छोले चावल रखे थे मैंने गरम करके खा लिए, बस उसके बाद से हाय गैस बन गई है, जरा पास के मेडिकल से दवाई ला दे। अरे माँ मेडिकल तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, दवाई तो मेरे पास है, वो भी बहुत चटपटी सी। अरे बेटा कड़वी भी हुई तो खा लूंगी, बस तू दे दे, दर्द से मैं फर्श पर लेटकर नागिन डांस करने लगी हूँ, समझ रही है ना? हाँ हाँ माँ सब समझ रही हूँ, लो माँ आप ये खाओ, इसे खाकर आपके पेट की गैस सही हो जाएगी। अरे बेटा ये क्या दे रही है, दवाई देना। माँ दवाई ही है, खा लो बस, बाकी बातें बाद में करना। पाहुल के कहने पर सीमा हाजमोले के पैकेट को खोलकर उसमें से 4-5 हाजमोला की गोली खाती है, जिसके बाद उसे एक जोरदार लंबी सी डकार आती है और वो कहती है, अरे वाह बेटा मजा आ गया, ये हाजमोले की गोली तो बड़े कमाल की है, सब खाया पिया हजम हो गया, अब जाकर पेट को राहत मिल रही है, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी सुबह से। हाँ माँ जब मैं देहरादून से घर आ रही थी ना, तब रास्ते में काफी सारी खरीदी थी, तब से कुछ बची हुई थी जो आज बैग साफ करते हुए मिल गई। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम है, मार्केट जाना है मुझे। इतना कहकर पाहुल अपने हाजमोले के पैकेट को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और पाहुल को हाजमोला खाने की आदत हो जाती है, अब वो डेली खाना खाने के बाद या जब भी उसका मन करता एक साथ कई हाजमोला के पैकेट खा जाया करती। कुछ समय बाद पाहुल की शादी केतन से होती है और शादी के बाद एक दिन पाहुल अपनी सास हेमा के साथ एक काफी बड़ी किराने की दुकान पर घर का सामान लेने जाती है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हाजमोला के अलग अलग डब्बे पर जाती है और
वो दुकानदार से कहती है, सुनिए भैया, ये सब हाजमोला है क्या? मतलब ये अलग अलग रंग और स्वाद लिखा है इन पर। जी जी हाँ जी, ये सब हाजमोला ही है, अलग अलग फ्लेवर वाली। ये ग्रीन है पुदीना वाली, ये पीली वाली लेमन वाली, ये रेड वाली अनारदाना वाली है, और ये ऑरेंज वाली तो रेगुलर हाजमोला है, और ये पर्पल वाली खट्टी मीठी है इमली की। अरे वाह, मैंने तो आज तक बस रेगुलर हाजमोला ही खाई थी, मुझे नहीं पता था इसके इतने सारे फ्लेवर भी हैं। माँ जी, क्या मैं घर के सामान में अपने लिए हाजमोला भी ले लूँ प्लीज? मुझे बहुत पसंद है। अरे बहू, ये भी कोई पूछने की बात है, जितनी लेनी है ले ले, और हाँ वो पुदीने वाली ज्यादा ले लियो, मुझे भी अच्छी लगती है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। भैया, हर फ्लेवर के 10-10 पैकेट दे दो और सारे सामान का टोटल बिल करके बता दो। पाहुल के कहने पर दुकानदार सभी फ्लेवर के हाजमोला उसे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू सामान लेकर घर आती है और फटाफट से दोनों अपनी अपनी पसंद की हाजमोला निकाल कर खाने लगती है। तभी पाहुल कहती है, मामा जी, इस हाजमोला के तो सारे फ्लेवर कितने कमाल के हैं, मुझे तो सारे के सारे खाकर मजा आ गया। अरे बहू, तू हाजमोला को ऐसे चूस कर खा रही है, चटकारे लगा कर तो खा ही नहीं रही। देख, ऐसे जुबान पर रख और चटकारे लगा, मजा आएगा। हेमा के कहने पर पाहुल भी अब अपनी सास की तरह हाजमोला को जुबान पर रख कर चटकारे लगाने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं। अब पाहुल को हाजमोला खाने के साथ साथ चटकारे लगाने की आदत हो गई थी। अब पाहुल घर का काम करते हुए हाजमोला खाती रहती, साथ ही चटकारे भी लगाती। ऐसे ही एक दिन केतन, पाहुल और हेमा तीनों बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी हेमा एक जोरदार पाद मारती है और केतन कहता है, कोई बात नहीं माँ, समझ सकता हूँ, इस उम्र में हो जाता है कभी कभी। देखो देखो टीवी देखो, कोई नहीं। हाँ हाँ बेटा। कुछ मिनट बीतते हैं कि तभी पाहुल एक गंदा भयंकर आवाज वाला पाद मारती है और केतन खुद को संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, गैस बन गई होगी, काफी देर से बैठी हो ना। सॉरी, वो मैं सॉरी, ठीक है। कुछ मिनट बीतते हैं कि तभी पाहुल और हेमा दोनों एक साथ फुल जोश में जोरदार पाद मारती है और केतन गुस्से में खड़ा होकर कहता है, अरे क्या है, मुझे शौचालय समझकर हद दो मुझ पर। अरे एक के बाद एक मिसाइल ही छोड़े जा रही हो दोनों की दोनों, पर हाजमोला खाना नहीं छोड़ रही हो। अरे इतना भी क्या हाजमा खराब है आपका? अगर आज के बाद आपने इसे खाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सॉरी केतन जी, पक्का आज के बाद हाजमोला कभी नहीं खाया करूंगी, बस आप गुस्सा मत करो। हाँ बेटा, सच में अब कभी नहीं खाएंगे, हम दोनों पागल हो गए थे इसके स्वाद के पीछे, लगातार खाए जा रहे थे, पर अब से नहीं खाएंगे, वरना एक दिन इस गैस में हम खुद ही बेहोश हो जाएंगे। इतना कहकर हेमा और पाहुल अपने हाथों में लिए हुए हाजमोला के पैकेट को कूड़े के डब्बे में डालती हैं और फिर कभी हाजमोला नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।